खबर हल्द्वानी से है, जहां जिला प्रशासन अब देर रात तक संवेदनशील जगहों पर छापेमारी कर रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि महिला सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह हुई कार्यशालाओं में संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया गया है। उन जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। हाल ही में हुई छापेमारी में 58 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि शहर में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बना रहे, इसे ध्यान में रखते हुए असुरक्षित जगहों पर लगातार छापेमारी की जाएगी। शासन द्वारा महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से जो विभिन्न कार्यशालाओं में हमें इनपुट मिले थे, उसके आधार पर स्थानों का, व्यक्तियों का चिन्हीकरण किया गया है। उसके सत्यापन के लिए एक समिति बनाई गई है। सत्यापन के उपरांत जो हमें इनपुट प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर उन स्थानों पर जो निरोधात्मक उपाय हैं वो भी किए जा रहे हैं। साथ ही प्रवर्तन की कार्रवाई के तहत जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में अभी पिछले दिनों में 58 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई थी। आगे भी समय समय पे जो हमारे संवेदनशील स्थान है उस पर औचक कार्रवाई इस तरह से जारी की रहेगी।